शोरिश शर्मा ने की टीना दत्ता की तारीफ। फिनाले से पहले एस्ट्रोलॉजर शोरिश शर्मा ने किया घर वालों की भविष्यवाणी। जी हां, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 के घर बीते रात शोरिश शर्मा ने टीना दत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि टीना दत्ता अगर जंगल में भी रहेंगी तो वो अपने लिए एक आलीशान घर खड़ा कर लेंगी, जिसे सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ गए। तो वही उन्होंने फिनाले से पहले घर वालों के लिए किया अहम भविष्यवाणी। जी हां, जैसा कि हर साल हर सीजन में फिनाले से पहले बिग बॉस घर में एक ज्योतिषी को भेजते हैं घर वालों के भविष्यवाणी के लिए, और इस बार उन्होंने एस्ट्रोलॉजर शोरिश शर्मा को घर में भेजा, जो काफी ज्यादा कूल थे। उन्होंने घर वालों की भविष्यवाणी तो की ही, साथ ही उन्हें कुछ खास सलाह भी देते नजर आए। जब उन्होंने शालिन को बताया कि किस तरह उन्हें इन लड़कियों से डाउनफॉल मिलता है और इसीलिए वो फिलहाल रिलेशन से दूर रहे, तो वही टीना की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे टीना की लाइफ स्ट्रगल भूल रही है, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद उन्हें दूसरा ब्लॉकबस्टर शो नहीं मिला और इसके पीछे की वजह है टीना का एटीट्यूड। अगर टीना अपना एटीट्यूड बदलती हैं तो उन्हें आसानी से काम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। साथ ही उन्होंने टीना को ये भी कहा कि वो बी केयर फ्री रहे, वो एक बर्डन की तरह हैं और टीना की खासियत यह है कि अगर उन्हें एक जंगल में भी फेंक दिया जाए तो वहाँ भी वो अपने लिए एक आलीशान घर खड़ा कर लेंगी। जिसे सुनकर टीना दत्ता हुई खुश, तो वही शोरिश शर्मा ने बाकी घर वालों के लिए भी कुछ खास बात कही। जहाँ उन्होंने अर्चना की जुबान को काला बताया, तो वही उन्होंने निमृत को अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होने की सलाह दी। बताया प्रियंका को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो वही एमसी स्टैन की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही आने वाला है उनका नया गाना। जबकि सुम्बुल को शोरिश शर्मा ने कहा कि कैसे उन्हें चंद्रमा का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे घर वाले शोरिश शर्मा से मिलकर हुए बेहद खुश। वेल, इस वीडियो को लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बिग बॉस 16 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।